स्वर व्यंजन के वर्गीकरण में अब मैं व्यंजन का वर्गीकरण बताती हूँ। व्यंजन स्वनों ध्वनियों का वर्गीकरण। व्यंजन स्वनों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। नंबर एक, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। ध्वनियों के उच्चारण के लिए अंदर से आने वाली हवा को रोक कर या कई प्रकार की विकृत करना पड़ता है। इसी क्रिया को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के दो भेद होते हैं, अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न को आस्य प्रयत्न भी कहते हैं। आस्य का अर्थ मुँह है और मुँह के भीतर प्रयत्न के आधार प्रयत्न के कारण इसे अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न के क्षेत्र ओंठ से लेकर कोमल तालू या कंठ तक माना जाता है। इस प्रयत्न के पांच भेद होते हैं, स्पष्ट क से ग तक के वर्ण, इस्त्य स्पष्ट अंतस स्वर में य र ल, ईस द्विकृत विवृत ऊष्म व्यंजन, स श स ह विवृत सभी स्वर, समृत में है ह व और अ। बाह्य प्रयत्न में नासिका के द्वार से लेकर के स्वर तंत्री तक का क्षेत्र माना जाता है। मुख्यतः इसका संबंध स्वर तंत्रियां से है। बाह्य प्रयत्न के 11 भेद हैं, विचार स्वार श्वास नाद घोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण उद्दात अनुदात और स्वृत। अंतिम तीन का संबंध सुर से है। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के मुख्यतः निम्नांकित भेद हैं, का स्पर्श। स्पर्श का अर्थ है छूना। इसके उच्चारण में एक उच्चारण अंग दूसरे को स्पर्श करते हैं और ओंठ का ओंठ से या जीभ का तालू से स्पर्श होता है। स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण में तीन चरण हैं, हवा का आगमन, अवरोध और स्फुटन। हिंदी के क वर्ग क ख ग घ, ट वर्ग टा ठा डा ढा, ता वर्ग ता था दा धा, पा वर्ग प फ बा भा और नुक्ता वाला क स्पर्श व्यंजन ध्वनियाँ हैं। नंबर क, स्पर्श संघर्षी। इस ध्वनियों के उच्चारण में दो उच्चारण अंगों से स्पर्श के साथ साथ संघर्ष भी होता है। हिंदी में च वर्ग च छ ज झ स्पर्श संघर्षी संघर्षी व्यंजन है। ग संघर्षी, इन ध्वनियों के उच्चारण में दो उच्चारण अंग एक दूसरे के इतने समीप आ जाते हैं कि दोनों के बीच में निकलने वाली हवा रगड़ खाकर बाहर निकलती है। हिंदी में स श श ह संघर्षी व्यंजन है। नंबर घ, अनुनासिक। अनुनासिक व्यंजन है, इनके उच्चारण नाक से हवा निकलती है। इनके पांच वर्गों के अंतिम वर्ण अंग अ अण अण न म नासिक के व्यंजन है। पार्श्विक, इसके उच्चारण में मुंह के बीच में दो उच्चारण अंग और एक दूसरे से मिलकर हवा को रोक देते हैं किंतु हवा का एक या दोनों पार्श्वों से बाहर निकलती है रहती है। हिंदी में ल पार्श्विक स्वन है। लुंठित, जिनके उच्चारण में जीभ और में लपेट खाकर मसूड़े वत्स को छूती है और इसे लुंठित स्वन कहते हैं। इसे कंपन जात भी कहते हैं। हिंदी में र व्यंजन लुंठित है। च उत्सिप्त, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ तालू के बीच किसी भाग को देन मार कर लौट जाती है। हिंदी में ड ढ व्यंजन है। अर्थस्वर, इनका मुख्य उच्चारण जीभ के समृत स्थान से विपरीत स्थान की ओर जाता है, जैसे य व व्यंजन अर्धस्वर है। ये स्वर व्यंजन के बीच में हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के उच्चारण प्रयत्नपूर्वक किसी स्थान विशेष से किया जाता है। स्थान जहाँ भीतर से आती हुई हवा को रोककर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, बाहर से निकलने वाली हवा स्वर जिस स्थान पर रहती है उसी के स्थान पर ध्वनियों को वर्गीकृत किया जाता है। इस आधार पर व्यंजन ध्वनियों को 9 भेद होते हैं, काकल्य या स्वर तंत्र मुखी। जिन ध्वनियों का उच्चारण काकल या स्वरयंत्र मुख से होता है उसे ह व्यंजन कहते हैं।
खा कंठ है जिन ध्वनियों का सोने के उच्चारण पे कंठ और जीभ के स्पर्श से हो इसे कोमलता लव्य भी कहा जाता है। हिंदी में कौवर के क ख ग घ न कंठ है व्यंजन है। संस्कृत में अकु विसर्जनीय याना कंठ, इसके अनुसार अह विसर्ग भी कंठ है। नंबर क मूर्धन्य जिन ध्वनियों को उच्चारण में मूर्धा और जीभ के स्पर्श से हो इंदियों हिंदी में टावर के टा ठा ड ढ ण। संस्कृत में रि टू र ण मूर्धा ऋषि और श भी मूर्धन्य है। तालव्य जिन ध्वनियों का उच्चारण जीभ के अप्रभाग और कठोर तालु से हो हिंदी के च वर्ग च छ ज झ य। संस्कृत में ई चू य श न तालु ई य श भी तालब्य या कठोर तालब्य है। वत्स्य जिन ध्वनियों का उच्चारण जीभ की नोक और ऊपरी मसूड़ों के वत्स से हो न ल र ल स ज वत्स्य है। अंग्रेजी में टी डी भी वत्स्य है। नंबर च दंताय जिन ध्वनियों का उच्चारण जीभ की नोक और दांतों से हो हिंदी में त वर्ग त थ द ध। संस्कृत में रि तृ ल स म दंता। छ ओष्ठय जिन ध्वनियों का उच्चारण ओंठ की सहायता से हो हिंदी में पावर्ग पा फा पा भा मा। संस्कृत में उपोध्या मा निया ताम ओष्ठ। ज दंतोष्ट जिन ध्वनियों का उच्चारण ऊपरी दांत और नीचे के ओंठ की सहायता से हो व था दंतोष्ट है। संस्कृत में वकास्य दंतोष्ट। नंबर कहा जिह्वामूली या अलीजिह्वय अलीजिह्वय का अर्थ होता है कोवा। इन ध्वनियों का उच्चारण कोवे या अलीजिह्व से किया जाता है। नुक्ता वाले क ख ग ज फ आदि व्यंजन इसी श्रेणी के हैं। हमारे ये विदेशी ध्वनियाँ भी हैं। संस्कृत में जिह्वामूली जिह्वामूलक। नंबर तीन स्वतंत्र के आधार पर इस आधार पर व्यंजन के दो भेद हैं घ घोष क घोष घ अघोष। इनके उच्चारण में स्वतंत्र में कंपन होता है। हिंदी में पांचों के वर्गों में तीसरा चौथा पांचवा क वर्ग ग घ न च वर्ग ज झ य आदि तथा य र ल व आदि घोष व्यंजन है। अघोष इनके उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन नहीं होता है। पांचों की प्रथम और द्वितीय ध्वनि पांचों वर्ग की प्रथम और द्वितीय जो ध्वनि है क वर्ग में क ख च वर्ग में च छ त वर्ग में त थ ये सभी क्या है अघोष व्यंजन है। नंबर चार प्राण तत्व के आधार पे प्राण का अर्थ होता है हवा की शक्ति। इस आधार पे व्यंजनों के भेद हैं क अल्प प्राण ख महाप्राण। अल्प प्राण में है इसके उच्चारण के हवा की शक्ति कम लगती है। पांचों वर्गों की प्रथम तृतीय और पंचम क वर्ग में क घ न च वर्ग में च य ज आदि ध्वनिया अल्प प्राण हैं। त वर्ग में त द न य र ल व भी अल्प प्राण है। महाप्राण इनके उच्चारण में हक की शक्ति अधिक लगती है हवा की शक्ति अधिक लगती है। पांचों वर्णों के द्वितीय और चतुर्थ क वर्ग में ख घ च वर्ग में छ ज आदि ध्वनिया महाप्राण है। नंबर पाँच उच्चारण शक्ति के आधार पर इन आधार पर व्यंजन स्वरों के भेद हैं सशक्त असक्त। उच्चारण में मांसपेशियां सशक्त दृढ़ हो जाती हैं जैसे श और ट। असक्त में है इनमें मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं जैसे य जैसे र और ल। ऋष्वता और दीर्घता के आधार पर इस आधार पर दो भेद होते हैं ऋष्व व्यंजन क च प आदि दीर्घ व्यंजन क च प आदि। नंबर सात संयुक्त और संयुक्त के आधार पर इस आधार पर भेद हैं नंबर एक संयुक्त प ल आदि असंयुक्त में है क ट आदि। असामान्य व्यंजन में है ऊपर से व्यंजन भेद सामान्य है और असामान्य व्यंजन मुख्यतः तीन हैं अंतस्फुटात्मक
उद्गार व्यंजन और क्लिक व्यंजन अंतस्फुटात्मक में है। इस प्रकार के व्यंजन अफ्रीका की भाषाओं में है, भाषा की सिंधी भाषा में ज व आदि व्यंजन अंतस्फुटात्मक है। नंबर दो उद्गार व्यंजन में है, इस प्रकार की ध्वनियों की अफ्रीकी भाषा में मिलती है। नंबर तीन क्लिक ध्वनियों का प्रयोग दक्षिण अमेरिका की भाषाओं में होता है। हिंदी का च च टिक टिक भी कुछ इस प्रकार की ध्वनि है।